प्राइवेट सेक्टर का निजी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार उपलब्ध किया जाए, इसके लिए क्या संभव है। तो उसमें जैसे आपने कहा क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य, फरुखाबाद का सौभाग्य ये है कि हम दो क्लस्टर्स में हैं, एक क्लस्टर आलू का है और एक क्लस्टर छपाई का है, और शायद कहीं उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको एक से ज़्यादा क्लस्टर में रखा गया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि फरुखाबाद को दो क्लस्टर्स में रखा गया है। आइडिया ये है कि जो हमारी नीतियाँ होंगी, सरकार की नीतियाँ होंगी, उसका उसकी दिशा होगी कि इन क्लस्टर्स को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, और ये क्लस्टर्स अगर सफल हो जाएंगे तो रोजगार प्राइवेट सेक्टर का भी अवश्य मिल जाएगा। शिक्षा का एक बहुत महत्व है इसमें कि आपको अगर रोजगार देना है तो आपको शिक्षित करना होगा, सही स्किल्स आपके पास हो, ट्रेनिंग हो आपके पास, और प्रयास ये किया जाए कि जहाँ तक शिक्षा का मामला है, शिक्षित होने के बाद बहुत दूर ना जाना पड़े। अगर जाना होगा तो उसके लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी, लेकिन प्रयास ये होगा कि जहाँ तक संभव हो सके अपने ही क्षेत्रों में, आस पड़ोस के क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके। तो एक दूरगामी एक सोच है, और ऐसी सोच हमारा ये मानना है कभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है चुनाव के संबंध में, और इसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी बहुत मजबूती के साथ प्रियंका गांधी जी ने अपने आप को इससे जोड़ा है, और उनका ये मानना है कि इसको हम लेकर आगे अच्छी तरह बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि लोगों ने कल की जो प्रेस वार्ता थी उसमें कई दफ़ा प्रयास किया उनसे पूछने का कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगी, और उन्होंने कहा कि मैं तभी घोषणा करूंगी जब हम लोग इस पर कोई निर्णय ले लेंगे। लेकिन फिर आपके एक साथी ने फिर पूछा कि चेहरा कहाँ है, कोई आपके यहाँ कौन चेहरा है, जब दूसरी पार्टियों में बताया कि उनका चेहरा है, उनका चेहरा है, उनका चेहरा है, तो आपके यहाँ चेहरा कौन है। तो मुस्कुराई और मुस्कुरा के ये कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे चेहरे से हटकर आपको और कोई चेहरा दिखता है क्या, सिर्फ मेरा ही चेहरा नहीं आपको हर जगह दिखता है। तो लोग अब उससे अनुमान लगा रहे हैं कि सोच जो है कि सोच जा रही है भारत, कल ये हुआ, इसलिए मैंने कहा मैं आप तक इस बात को एक दफा दोहरा पाऊँ। धन्यवाद। होगा, लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब में तो एक पूरी सरकार का उलट फेर हो गया यही इशू लेकर, क्योंकि इस बात की सबसे बड़ी चिंता उन क्षेत्रों में है जो सीमावर्त क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये आता है, नशीली चीज़ें आती हैं, स्मगलिंग होती है, जो भी होता है, तो इसलिए वहाँ सबसे बड़ी चिंता है। और इस चिंता से संबंधित जो केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जिस पर एक आम सहमति नहीं है कि वो BSF को कहाँ तक अधिकृत करेंगे अपने सीमा के क्षेत्रों में एक्सेप्ट, सब लोग उसके सहमत नहीं हैं कि जो लोकल पुलिस है उस पर हस्तक्षेप ना हो, इससे भी संबंधित कुछ लोगों को विचार, लेकिन वो अलग बात है। सबसे बड़ा संघर्ष अगर हो रहा है नशीली चीज़ों से और नशे से, अगर सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है, और पंजाब में उसको वहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि जहाँ पर जो सख्त पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। और इस संदर्भ में बहुत कुछ स्तर पर पंजाब में चर्चा हुई है, जो दिल्ली तक भी आई है। पंजाब से जो हमने सीखा है कि जहाँ ये बात अभी उत्तर प्रदेश के लिए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप एक नया है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है कि हम एक घर में बैठे हुए चिंतित हो जाए, पंजाब में बात बहुत बढ़ गई। तो जो पंजाब का अनुभव और जो पंजाब की सीख है उससे हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब आपको एक बात मैं ये बता दूँ कि जहाँ भी आंकड़े, कहीं भी सरकारी आंकड़े या औपचारिक आंकड़े कहीं पे पेश किए जाते हैं किसी भी एनालिसिस समीक्षा में, तो वो आंकड़े अक्सर 2-3 साल 4 साल पुराने हो गए, क्योंकि आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं, सोशियोलॉजिकली आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं, उनमें इतनी बार उनको चेक करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है, उसी के बाद वो माने जाते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं
जो ट्रेंड्स हैं, जो मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि इससे संकेत क्या है, किस दिशा में है, बेहतर हो रहा है या बिगड़ रहा है, ऊपर जा रहा है या और तेजी से बढ़ रहा है, वो संकेत मिल जाते हैं समय समय पर और उसी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि अब 4 साल बाद ये तैयार होगा। आज नई रिपोर्ट जो आई है उसमें 28% युवा आज होगा, लेकिन ये ऐसा है, ये गवर्नमेंट की कार्रवाई नहीं है, ये एक संकल्प है, एक पेपर है कि हमें इस चीज़ को रोकना है। कहीं 28 का 29 हो गया, कहीं 29 का 28 हो गया, सरकार को एक एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा। सरकार रहेगी तो एक एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा, क्योंकि नीतियाँ उसी के हिसाब से बनती है। ये हमारा संकल्प है, ये नीति नहीं है, ये संकल्प है और इस संकल्प को नीतियों से सपोर्ट करना होगा सरकार के आके, वो हम करेंगे। लेकिन जो हमारी मंशा है और जो हमारा लक्ष्य है वो आपको साफ दिखता है कि दूसरे तो बात भी नहीं कर रहे हैं कि जैसे कहीं नशे का कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने कम से कम ये कहा है कि ये हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नशे की समस्या बढ़ सकती है और इसलिए इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।